हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवजोत टॉक्स। मैं हूं नवजोत। मैंने एक वीडियो डाली थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी जॉब को लेने के लिए। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं आपको थोड़ा सा एक प्रिंसिपल समझाती हूं यूनिवर्स का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मैनिफेस्टेशन की ऐसी टेक्निक आपके साथ शेयर कर रही हूं जिसको अगर आप वैसे ही यूज़ करेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूं तो बहुत ही ईजिली चीज़ें होंगी और आपकी जितनी भी विशेज़ हैं, आपकी जितनी भी ड्रीम्स हैं, वो बहुत फास्ट स्पीड में रियलिटी में टर्न हो जाएगी। करना क्या है, जो भी चीज़ आपको चाहिए, कोई जॉब चाहिए, कोई घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, जो भी आपके विशेस हैं, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, उनको पेपर के ऊपर लिख लो। और अगर आप जॉब के लिए लिख रहे हो तो लिखो कि इसमें आपको क्या चाहिए। वर्क फ्रॉम होम चाहिए, वर्क करना है किसी ऑफिस प्लेस में जाकर, 9 to 5 चाहिए, 8 to 4 चाहिए, नाइट जॉब चाहिए, कितना पैकेज चाहिए, कितनी वेकेशन चाहिए, वो सारी चीज़ों को आप लिख लो। उसके बाद आपने अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन करना है कि आप सिर्फ चीज़ सोच नहीं रहे हैं, आप सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रहे हैं, आप उसको फील भी कर रहे हैं। अभी यही एक मेन प्रिंसिपल है, यही मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है, जो जितने लोगों को समझ में आ जाती है तो उनकी चीज़ें रियलिटी में टर्न हो जाती हैं। अगर यहाँ पे गड़बड़ रह गई तो हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है अपनी विशेज़ को पूरा करने में, अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में टर्न होते दिखने के लिए। तो इससे होगा क्या, देखो जो यूनिवर्स है ना उसको नहीं समझ में आता है डिफरेंस आपके माइंड से जो निकल के आ रही हैं चीज़ें और आपके आसपास रियलिटी में जो है उनसे। तो होता क्या है, अगर आप किसी जॉब को पाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, किसी गाड़ी को पाना चाहते हैं, अपने माइंड में अगर आपने मान लिया ना कि आपके पास वो है, आपने फील कर लिया कि आपके पास वो है, भले ही आपके आसपास वो नहीं है, आपके पास नहीं है, आपके आसपास दिखती भी नहीं है वो चीज़, तब भी जो यूनिवर्स है ना वो उसी फ्रिक्वेंसी को रिसीव करेगा कि आपके पास वो चीज़ है एंड यू आर फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, जैसी वाइब्स आप छोड़ोगे वैसे यूनिवर्स कैच कर लेता है। और यूनिवर्स जो है वो हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। जिसको ये फंडा समझ में आ गया ना तो उसकी चीज़ें आसान हो जाएंगी बहुत इजीली। अब देखो, ऐसे तो कोई चीज़ मिलेगी नहीं जिसके लिए आप क्वालिफाई ही नहीं हो, और ऐसा आप कुछ मांग भी नहीं सकते जिससे आप क्वालिफाई ही नहीं करते हो और फिर आपको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये है कि आप कर तो काम इसी वर्ल्ड में रहे हो ना, इसी वर्ल्ड में कुछ क्रेडेंशियल्स चाहिए होते हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हर चीज़ के लिए। घर लेना है उसके लिए भी, गाड़ी लेनी है उसके लिए भी, लेकिन कमी कहाँ जाती है, चाहे हमारे रास्ते नहीं खुलते हैं, हमारे डोर्स ओपन नहीं होते हैं, कोई हमें इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं करता है, अगर लोन अप्रूव कराने जाते हैं वहाँ कोई पंगा हो जाता है, घर लेने जाते हैं तो डील नहीं होती है, ये चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो यूनिवर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना वो यही कहता है कि जो मांगोगे वो दिया जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि आपके ब्रेन में वो जीत इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास वो रियल में है। बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए, अगर आपके पास अभी छोटी गाड़ी है या गाड़ी नहीं भी है, आपने अपने ब्रेन में ये नहीं सोचना है कि जब वो मुझे गाड़ी मिल जाएगी तो मुझे कैसा लगेगा, आपने ये सोचना है कि वो गाड़ी मेरे पास अब है तो मुझे कैसा लग रहा है। बस इतना सा डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया तो देखना ऐसे मिरेकल्स होंगे। तो छोटी गाड़ी है, गाड़ी नहीं है, अभी भी यही फील करो कि मेरे पास है गाड़ी। रिच बनना चाहते हो तो ऐसे फील करो कि मैं रिच हूँ, रिच बनने के बाद क्या क्या करोगे उसको अभी फील करो कि मैं वैसे हूँ। फील तो कर सकते हो ना, नहीं कर सकते रियलिटी में वो चीज़ें अभी, लेकिन ब्रेन को तो ऐसे आप ट्रेन कर सकते हो कि वो चीज़ों को फील कर सको। अब ऐसा नहीं है कि आप में हंकार आ जाना चाहिए। रिच बनने के बाद क्या होगा, आप अपनी पसंद की चीज़ें खरीद पाओगे, रिच बनने के बाद आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फालतू की चीज़ों में, ठीक है, आपके घर के जो कर्जा है वो निकल जाएगा, मतलब इजीली आप उसको उतार पाओगे, ठीक है, तो आपके पैसे आपके पास मेंटेन हो जाएंगे, आपके पास एक कंटिन्यू फ्लो ऑफ इनकम होगा। तो अभी उसको फील करो कि आई एम हैप्पी, मेरे पास बहुत पैसा है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर आप फील करके देखोगे ना तो देखा चीज़ें इतनी आसान हो जाएगी। और इसके लिए आपको एक डायरी चाहिए, एक पेन चाहिए, एक डायरी के ऊपर आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा। अगर आपका गोल घर का है तो घर कैसा होना चाहिए, 4 bedroom चाहिए, 3 bedroom चाहिए, कैसा चाहिए, तो वैसा लिख के। और जब भी रात को सोते हो तो 10 minutes इस ऐसे लगाओ अपने ड्रीम के लिए। देखो अगर कोई प्लांट भी हम घर में लगाते हैं ना उसको भी हमें 5-10 minutes देने पड़ते हैं, हफ्ते में 2-4 बार पानी डालना पड़ता है, कोई ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं वो डालने पड़ते हैं, या फिर कोई प्लांट फूड डालना पड़ता है और वाइब्स देनी पड़ती हैं अच्छी। वैसा ही हमारा ड्रीम है, हमारी ड्रीम के लिए सिर्फ मेहनत नहीं करना हमें, हमारी ड्रीम के लिए मेहनत तो सब कर रहे हैं, 100 लोग हैं जो एक ही चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 100 लोग हैं जिनको वही घर चाहिए, 100 लोग हैं जिनको वैसी ही गाड़ी चाहिए, लेकिन मिलते कितने लोगों को है। अब वहाँ वो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है आप कल्टीवेट कैसा कर रहे हैं अपने ड्रीम को, अपने ड्रीम को फ्लरिश करने के लिए, उसको कल्टीवेट करने के लिए रियलिटी में
टर्न करने के लिए 10 मिनट देने पड़ेंगे। और रात को सोने से पहले नेगेटिव सोच के नहीं सोना है, क्योंकि देखो आपने तो सोच लिया, उसके बाद आपकी आंखें बंद हैं और आप सो रहे हो, लेकिन ब्रेन माइंड इज स्टिल वर्किंग। और अपने जैसी चीज़ ब्रेन को एक बार शुरू कर दी है वाइब्रेशन, वैसे ही पकड़ के ब्रेन थ्रू आउट द नाइट काम करता रहेगा, जब तक आप मॉर्निंग में ब्रेन को नया कमांड नहीं दोगे कि अब क्या करना है। तो अगर अच्छा सोच के सो रहे हो तो देखो 4-5 घंटे हैं ब्रेन के पास उसी चीज़ को सोचने के लिए, ऑटोमेटिकली अंदर कुछ ड्रीम्स आएंगे, वैसे कुछ अच्छा फील होगा, तो फिर चीज़ें कितनी ही अच्छे तरीके से होंगी। और देखना कितना डिफरेंस फील होगा, नया दिन जब शुरू होगा, अगला दिन जब शुरू होगा, तो आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ उठोगे, आपको अच्छा फील होगा कि अरे रात मैंने कितना अच्छा इमेजिन किया और मुझे कितना अच्छा लगा जब मेरे पास वो गाड़ी होगी, मुझे कितना अच्छा फील होगा। फिर लग जाओ वैसे ही फील करने की, अभी मेरे पास वही गाड़ी है। और ये चीज़ें मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, ये चीज़ें मैंने आजमा कर देखी हैं, ये चीज़ें मैंने एक्सरसाइज की हैं और मैंने अपनी लाइफ को यहाँ से यहाँ जाते हुए देखा है। ठीक है, आप भी कर सकते हो और ट्राई करके देखो। ये कोई व्यूज़ लेने के लिए वीडियो नहीं मैंने बनाई है, ये मैंने इसलिए वीडियो बनाई है बिकॉज आई हैव सीन, मैंने 300 जॉब्स अप्लाई की थी, कब जाके मुझे कैसी जॉब मिली, उसके बाद फिर मुझे एक जॉब मिली, अच्छी जॉब मिली, फिर वहाँ मैंने इतनी अच्छी एनर्जी दी खुद को, ऐसा अच्छा फील किया कि मैं आरएन बन गई हूँ, तो मैं बन गई इजीली। फिर मैंने अपने आप को इमेजिन किया कि मैं किसी ऐसी पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मैं लोगों को गाइड करती हूँ, लीडरशिप में हूँ, मैनेजर हूँ, तो मैं वैसी भी पोजीशन मुझे मिल गई। क्योंकि ऐसी जॉब चाहिए जिसमें मैं 9 o'clock जाऊँ, 5 o'clock, नर्सिंग में बहुत ही इंपॉसिबल होता है ऐसी जॉब ईजिली पाना, लेकिन मुझे वो भी मिल गई। मैंने इमेजिन किया मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, वो सब होता गया। मेहनत की, मेहनत सभी करते हैं, मेहनत के साथ साथ मैंने क्या किया, अपने ब्रेन में ऐसा सोच के चली कि मेरे पास वो चीज़ें अभी भी है, फील ऐसा किया, अपने कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं दिया। बस यही एक फ़र्क होता है जहाँ पे चीज़ें दूसरे लोगों के फेवर में हो जाती हैं, आपके फेवर में नहीं होती हैं, या एकदम से आपके फेवर में हो जाती हैं। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में, किसी और अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। पॉजिटिव रहना है, खुद को मोटिवेट करते रहना है, आज ही लिखो, अपनी डायरी लिखनी शुरू करो क्या आपको कैसा चाहिए, कि दूसरों के साथ ज़्यादा मत शेयर करो, सिर्फ अपने ब्रेन को ट्रेन करो। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड टेल मी व्हाट यू वांट मी टू मेक मोर, इफ़ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोज ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कैसी टेक्निक्स मैंने यूज़ किया, मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, आई विल मेक एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।